एसडीएम ज्योति मौर्य के बाद कथित प्रेमी होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की परेशानी जल्द ही कम हो सकती है। ज्योति और मनीष दोनों को ही राहत की सांस लेने को मिल सकती है, लेकिन जिसने बेवफाई का आरोप लगाया एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य को राहत मिलेगी, आलोक चैन की सांस ले पाएंगे, इसे लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी और होमगार्ड कमांडेंट पर अवैध संबंध का आरोप लगाया था। आलोक ने एक वीडियो भी शेयर किया था जिसके बाद पूरा देश आलोक के साथ खड़ा हो गया। उसने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने मनीष के साथ मिलकर उसे धोखा दिया है। आलोक के आरोपों के बाद महुआ के होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के खिलाफ विभाग ने जांच शुरू की थी, जिसे अब विभाग समाप्त कर सकता है। शासन की जांच में मनीष दुबे पर अनियमितताएं करने अथवा विभाग की छवि धूमिल करने का कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है। अपर मुख्य सचिव होमगार्ड अनिल कुमार के मुताबिक इस संबंध में होमगार्ड कमांडेंट से स्पष्टीकरण भी तलब किया गया था। जल्द ही इस मामले में फैसला लिया जा सकता है। दरअसल आलोक मौर्य की शिकायत पर होमगार्ड संगठन ने कमांडेंट मनीष दुबे के खिलाफ जांच कर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी थी। इसमें मनीष दुबे के खिलाफ विभागीय जांच कराकर कार्रवाई करने और आलोक मौर्य की हत्या की साजिश रचने का मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसमें मनीष के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। ऐसे में मनीष दुबे राहत की सांस ले सकते हैं। वहीं एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ दायर शिकायतों को पति आलोक मौर्य ने पहले ही वापस ले लिया था, जिसके बाद ज्योति की जांच भी खत्म हो गई है। ऐसे में ज्योति पर भी लटकी तलवार हट चुकी है, लेकिन आलोक मौर्य और उसके पूरे परिवार पर ज्योति ने दहेज उत्पीड़न का जो आरोप लगाया है उसे ज्योति ने वापस नहीं लिया है। ऐसे में आलोक अगर जांच में दोषी पाया जाता है तो ज्योति मौर्य के साथ नई जिंदगी शुरू करने के बदले आलोक को जेल जाना पड़ सकता है। अभी तक खबरें आ रही थी कि ज्योति फिर से आलोक के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकती है, क्योंकि मनीष पर गंभीर जांच चल रहे हैं, लेकिन मनीष पर लगे सभी आरोप सिर्फ आरोप ही साबित हो रहे हैं। मनीष के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है जिससे कि होमगार्ड कमांडेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सके। ऐसे में ज्योति और मनीष के रास्ते साफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जल्द ही ज्योति और आलोक के तलाक के केस पर कोर्ट में सुनवाई होनी है। देखना होगा दोनों तलाक लेते हैं या फिर एक होते हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह की तमाम खबरों वीडियो को देखने के लिए न्यूज़ वन इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।